जी हाँ गाइज, आज है हमारे पास एक ब्लूटूथ नेक बैंड जिसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू। ये है सिग्नेचर की तरफ से आने वाले एक ब्लूटूथ नेक बैंड, करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखने वाले हैं बॉक्स की क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, साउंड की क्वालिटी कैसी है और नेक बैंड की क्वालिटी कैसी है, क्या ये अपने प्राइज को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं, ब्लूटूथ वर्जन क्या है, साउंड की क्वालिटी कैसी है। जी हाँ गाइज, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज सबसे ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है सिग्नेचर ए साइन ऑफ क्वालिटी। कौन है? यहाँ पर जो डिजाइन है कुछ इस प्रकार का मिल जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है VMB 106। और यहाँ पर जो कुछ डिजाइन है कुछ इस प्रकार का मिल जाता है जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव है और देखने में काफी सुंदर भी है। प्यारी, समझ गई गाइज। बॉक्स की क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छी मिल जाती है और डिजाइन भी काफी अच्छे से किया गया है और यहाँ पर भी मिल जाती है सिग्नेचर ए साइन ऑफ क्वालिटी। खत्म। बैक साइड की बात कर जाए तो यहाँ पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सिग्नेचर। यहाँ पर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह मिल जाती है जो कि हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसे लाइव टेस्ट करेंगे, उसमें ही आपको सब कुछ बता देंगे। मस्त जोक मारा रे। और यहाँ पर इंडिया का आइकन मिल जाता है, मेक इन इंडिया। यहाँ पर एक बार कोड मिलता है जो कि आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है या नहीं। ओवरऑल बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा और लाइट होता तो मज़ा ही आ जाता। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स। यहाँ पर जो कलर है इतने कलर में ये अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टोटल 5 कलर में आता है। बॉक्स में नेक बैंड के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, ना ही डाटा केबिन मिलता है और ना ही सिलिकॉन रबड़ मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये रबड़ भी नहीं इसके अंदर एक्स्ट्रा मिलती है। और गाइज मैं इसमें प्राइस बताना तो भूल ही गया, ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से 390 रुपये का परचेस किया है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये PVC से बना हुआ है। यहाँ पर जो इसकी ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन साइनिंग के मामले में देखा जाए तो साइनिंग थोड़ी कम है इसके अंदर। अच्छा। और यहाँ पर सिग्नेचर का लोगो मिल जाता है, ओब्वियसली सिग्नेचर का ब्रांड है तो सिग्नेचर का ही लोगो मिलेगा। और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर भी मिल जाता है, VMB 106 यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है। और ब्लूटूथ वर्जन की बात कर जाए तो यहाँ पर 4.0 का वर्जन मिल जाता है, ऐसे तो नहीं होता है, जो कि एक बेकार वर्जन कह सकते हो या फिर ओल्ड वर्जन कह सकते हो। बेकार तो नहीं कहेंगे, ये ओल्ड वर्जन है। सो गाइज ये थोड़ा इसमें एक डिसअपॉइंट हो सकता है क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है, आज के टाइम में 5.0 तो कम से कम होना ही चाहिए। अबे साले तब। यहाँ पर मिल जाता है जैक, इसकी भी क्वालिटी नॉर्मली मिल जाती है क्योंकि ये प्रोटेक्शन के साथ नहीं मिलता है। और गाइज यहाँ पर जो इसका डिजाइन मिल जाता है वो भी काफी अट्रैक्टिव लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो काफी अच्छा डिजाइन मिल जाता है। यहाँ पर मेन चीज की बात कर जाए तो यहाँ पर जो इसके बड्स हैं वो प्लास्टिक के ही मिल जाते हैं, लेकिन पीछे से ये मेटल के हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये मैग्नेटिक भी है और पीछे से मैग्नेट भी है। यहाँ पर सिग्नेचर का ही लोगो मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो, ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है वैसे तो। और यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर जाए ओवरऑल अच्छी मिल जाती है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है वो एक नॉर्मली मिलता है और ये जो है रबड़ है ये थोड़ी ने इम्प्रूव करनी चाहिए, ये नॉर्मली मिलती है। और यहाँ पर जो इसकी वायर है, वायर का तो जवाब ही नहीं, वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कॉपर के वायर मिलते हैं और काफ़ी हैवी क्वालिटी की ये वायर देखने में लग रही है, जिस प्राइस रेंज में आता है उसके हिसाब से तो बिल्कुल बेस्ट वायर मिल जाती है। बाय बाय। तो गाइज जैसे कि इसकी बैटरी लाइफ की बात कर जाए तो यहाँ पर डब्बे पर मेंशन है 72 घंटे, लेकिन गाइज ये 72 घंटे नहीं चल पाता है, जैसे कि मैंने इसे कई दिन से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, ये 2 दिन में ही डाउन हो जाती है, यानी कि जैसे कि आप सुबह चार्ज करोगे तो ये 2 दिन तक शाम तक चल जाएगी, यानी कि आपको शाम को चार्जिंग में आपको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जो इसके साउंड है वो एकदम एवरेज मिलते हैं, ज़्यादा हैवी क्वालिटी के तो साउंड नहीं मिलते हैं, लेकिन बेस जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। और गाइज जब कर लेते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात या फिर म्यूजिक क्वालिटी की बात, म्यूजिक की क्वालिटी की बात कर जाए, जैसे कि हमने इसे 2 दिन से यूज किया है, इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी शानदार मिल जाती है। ऑडियो के गाने बेस के भी सुनकर देखे हैं, क्लासिक गाने भी सुनकर देखे हैं और हिप हॉप गाने भी सुनकर देखे हैं भाई, मज़ा आया। गाइज यहाँ पर जो इसके साउंड है बेस के गानों में तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, लेकिन जो क्लासिक गाने सुनते हैं उसमें बेस ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है, यानी कि ट्रिबल की क्वालिटी थोड़ी हाई मिल जाती है, लेकिन बेस की जो क्वालिटी है वो एकदम परफेक्ट मिलती है। कहाँ से आते हैं? गाइज जैसे कि हमने इसके कॉल वगैरह पर भी साउंड सुनकर देखे हैं या फिर टेस्ट करके देखा है, जैसे कि हम इस पर बात करके देखते हैं थोड़े एवरेज साउंड मिलते हैं या फिर नॉर्मल साउंड मिलते हैं, ज़्यादा हैवी क्वालिटी के इसमें साउंड नहीं मिलते हैं कॉलिंग पर, लेकिन हाँ जिस प्राइस रेंज में आता है उसके हिसाब से बिल्कुल बेस्ट मिल जाती है गाइज, समझ रहे हो। और गाइज यहाँ पर मिल जाते हैं हमको 3 बटन, यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर मिल जाता है ऑन ऑफ स्विच,
इस बटन का काम है इसे ऑन और ऑफ करने का। अगर कॉल वगैरह भी आती है इसी से आप उठा भी सकते हो और काट भी सकते हो। सो गाइज यहाँ पर फंक्शन भी ठीक ठाक मिल जाते हैं और इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक मिल जाती है। गाइज ओवरऑल हमने जानकारी आपको दे दी है, यदि आपको किसी प्रकार की अभी भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो। और गाइज यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।